दोस्तों आज ये वीडियो बनाते हुए मेरा इतना खून खोला हुआ है, तो मैं पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए तो सॉरी, माफ़ करना, क्योंकि मजबूर हूँ। आज इस भगोड़ी ने इस हद तक मजबूर कर दिया कि मैं फिर से वही शब्द दोहराऊँ। आज इस भगोड़ी की हरकतें देख के मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हूँ, इतनी ज़्यादा दुखी हूँ कि आज फिर से मेरा मन कर रहा है कि इसकी चोटी पकड़ूं, इसको बालू सहित पागल कुत्ते की तरह रगड़ते हुए सड़कों पर ले जाऊं, पूरी दुनिया को बताऊं कि एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुद ही दुश्मन है। आज कुछ ऐसा देखा है इसका कि मैं आज मजबूर हो गई कि इस पर, इसके बच्चों पर बात करूं, जो गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उन बच्चों की मैं यहाँ पर बात करूँ। दिल बहुत दुखी है और साथ में इतना गुस्सा है कि ये एक ऐसी महिला के हाथों यहाँ पे भारत में फंसे हुए हैं कि भैया, ये खासकर वो बेटियाँ, बड़ा दुख होता है। कहते हैं ना, बच्चे अपने हो या दुश्मन के, वो मासूम जान, नन्ही जान, वो बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए कभी किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम, बड़े वो होते हैं, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। और सबसे पहले वो लोग जो कहते हैं सीमा हैदर से उसके बच्चे छीन लो, कैसी माँ हो, तो आप लोग ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको डूब मारना चाहिए। मैंने दिन में वीडियो बनाया था लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही उसमें बोल गई थी, इस वजह से मेरे वीडियो पे कुछ येलो डॉलर आ गया था। मैं नहीं चाहती मेरे चैनल में कोई गंदगी हो, सामाजिक बातें रखती हूँ, सच को सामने लाती हूँ, कुछ भी गलत हो मैं नहीं चाहती। आज मैंने एक बहन का वीडियो देखा है, पूजा रानी नाम से ब्लॉग है उनका, और उन्होंने जो क्लिप लगाई है ना इसकी, उसे देखकर मेरे आज खून खोला हुआ है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरा जो ये आपा माथा है ना, वो आज सटका हुआ है बहुत ज़्यादा। इसलिए जो भी कमेंट करोगे जरा सोच समझ के करना, क्योंकि भैया मैं गलत चीज़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, गलत चीज़ें मेरे बर्दाश्त से बाहर होती है, मैं उनका जवाब लीगल तरीके से देती हूँ हमेशा। पूजा बहन ने क्लिप लगाई है जिस क्लिप में वो अंजलि है ना, जो अपनी दांत फाड़ के लगातार दिन रात बदतमीजियां कर रही है। ये मीना परिवार है, इनके लिए पैसा इतना ज्यादा हो गया, इनके लिए किसी का कुछ चीज से लेना देना नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ हो, किसी को कुछ हो, ये जो अपने देश के खिलाफ जा सकते तो वो क्या नहीं कर सकते। आज गुलाम हैदर की बेटी अंजलि की लाइव में थी, उसकी क्लिप में, वो कब का लाइव था मुझे नहीं पता, उसमें बच्ची ने कपड़े ही नहीं पहने, अंदर फ्रॉक पहना है, बाकी मैं आपको नहीं बता सकती। तो मतलब बच्ची ने कपड़े नहीं पहने हैं, वो जो निक्कर होता वो नहीं पहना हुआ है, और बच्ची है, पूरा सोशल मीडिया उसे देख रहा है, और बाकी सब मैं नहीं बता सकती हूँ, आप जाकर उनके उस पर देख लीजिएगा। उन्होंने बोला था कि मैंने 6 बार रिपीट करके देखा, 5 बार रिपीट करके देखा, पहले पहले मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, मैंने भी वो वीडियो कम से कम 10 बार रिपीट करके देखा, और जब देखा मेरा दिमाग का पुर्जा हिल गया। मतलब ये कि ऐसी माँ है जो सोशल मीडिया पर रोती है, दहाड़े मार के कहती है ना कि मेरे बच्चों को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे बच्चे मेरी जान है, तो ये बेशरम औरत को अपनी बेहयाई, अपनी गंदगी सोशल मीडिया में मचाने से फुर्सत मिलेगी, तभी बच्चों को ध्यान देगी। अंजलि सामने से बकवास कर रही है, बदतमीजी कर रही है, और बच्ची पीछे से जो हरकतें कर रही है वो साफ सोशल मीडिया में सारी दुनिया देख रही है। ये वो माँ है, इसको परवाह नहीं गुलाम हैदर की बेटियों की, बच्चियों की, गुलाम हैदर के बेटे की। चलो एक तो बेटा है, 3 बेटियां हैं, साथ में बच्ची कुछ समय पहले का दूसरा क्लिप लगाया उन्होंने, जिसमें लप्पू की गोद में बैठकर चिपक रही है, यानी वैसे ही वो बच्ची उस लप्पू के गोद में है। रघुपुरा के जितने आवारा नंगे लफंगे हैं, लौंडे लबारे या जिसके देवर देवर कहती है, ये अपने बच्चों को खुले आम छोड़ देती है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी डायन माँ है जो बिल्कुल गलत है किसी भी नजरिए से, और इसने अपनी अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। वैसे तो हम जानते हैं मोबिन मलिक सर ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया है गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी सिटीजन है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, और सकुशल हमारे देश से बच्चे पाकिस्तान पहुँच जाए, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं ना गुलाम हैदर को सपोर्ट करो, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं करते हम गुलाम हैदर को सपोर्ट, और ना पाकिस्तान की बात करते हैं।
इंसानियत नाम का भी कुछ चीज होता है, किसी भी मुल्क के हो, कोई भी हो, लेकिन है तो इंसान ना, वो बच्चे हमारे देश में है, हमारे देश की जिम्मेदारी है, हम देश के नागरिक है, हमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया गुलाम हैदर ने, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को पाकिस्तान तक डिपोर्ट करने में उनकी मदद करें। भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है, और जिस तरीके से ये अपने बेटे के उम्र आसिफ के साथ जो लफंगई कर रही है, आवारा गर्दी कर रही है, इस औरत को होश नहीं है ये क्या कर रही है। इसके दो ही कारण होते हैं, हो सकते हैं या तो ये इतनी ही लफंगी, इतनी बेहया औरत है जिसको दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं है, न इज्जत सम्मान की परवाह है, या फिर इसका ऐसा मकसद है जिसके लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। तो दोस्तों बहुत खून खोला है, बहुत तकलीफ हुआ है, और इस औरत को देख के आज ये मन कर रहा है, ये अंजलि और ये सीमा हैदर दोनों की चोटी पकड़कर रोड में रगड़ते हुए इसे कूटते हुए ले जाया जाए और पागल कुत्तों के बीच में इसको छोड़ दिया जाए। जब इसको फाड़े कुत्ते अच्छी तरीके से इसका इलाज करें, तब इसको पता चले ये किस हद तक गिर चुकी है। ये अंधी है, इसको परवाह नहीं है उन बच्चों की, इसको पता नहीं है पाकिस्तानी बच्चे हैं, यहाँ भारत में उनका कोई भी नहीं है। हमारे बच्चे हमारे नजरों से एक सेकंड के लिए भी दूर हो जाते हैं, हमें चिंता होती है कि बच्चा बाहर है, क्या हुआ, कैसा हुआ, लेट क्यों आए, दिक्कत है, कहाँ पे है, हम हजार बार उन बच्चों की केयर करते हैं। इस औरत को वो 4-5 साल की बच्ची इस तरीके से खुला छोड़ दिया। जो लोग कहते हो ना कि हम सीमा हैदर के खिलाफ क्यों जाते हैं, डूब मारो चुल्लू भर पानी में, आपके घर में आपके साथ ये चीजें घटेंगी तब आपको समझ में आएगा, और शायद तब भी समझ में आए, क्योंकि जिनके घर में अपना परिवार होता वो लोग ऐसी सोच रखते ही नहीं है इस गंदी महिला के लिए। किसी ने आज मुझे कहा था बहुत बेशरम है तू, जी हाँ बहुत बेशरम हूँ मैं, क्योंकि सच को खींचने के लिए अगर हमें बेशर्मी की हद तक भी जाना पड़े हम वो हद को पार करने को तैयार रहते। तुम्हें जो समझना है समझो, क्योंकि तुम जैसे गद्दारों के दिमाग में कोई चीज सही आएगा नहीं। और ये लप्पू जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, ये बार बार कहता ना मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तेरे बाप के बच्चे हैं क्या हो? और ये महिला दूसरा क्लिप जो बहन ने लगाया था उसमें कह रही है कि पाकिस्तान से और भी ले आएंगे इसको। कोई बंदा कमेंट कर रहा है कि भाभी जी हमारे लिए भी पाकिस्तान से लाओ, ये कह रही हाँ हाँ पाकिस्तान से आएंगे, तेरे बाप ने पाकिस्तान में पैदा करके रखी है जिनको तू उठा लाएगी, तू है आवारा औरत। सारी दुनिया में आवारा औरत नहीं है, सबका अपना घर बार है, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तेरी जैसी कोई माँ नहीं है जो अपने पति से जिसके 4 बच्चे पैदा करके उससे तो बोलती है कि वो मुझे परेशान करता है, उसने हमारी जिम्मेदारियां नहीं उठाई, तमाम चीजें गुलाम हैदर के बारे में बोलती है। तो ये छटांग भर का ये लप्पू जिसकी उम्र तेरी उम्र से आधी है उसको तू पति कहती है, तू हमेशा हमारे भारत के कानून से खिलवाड़ करती है। तेरी जैसी गंदी महिला को जब तक भारत से लात मार के बाहर ना फेंके ना, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम जानते हैं हमारी सरकार की नजरें लगातार तेरे ऊपर बनी हुई है, हमारा कोर्ट का फरमान जिस दिन आएगा खून के आंसू रोएगी। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आने वाला बच्चों से मिल जाएंगे, और तू अपनी गलतियों के लिए पछताने का तेरे पास समय नहीं रहेगा। जैसी तू माँ है दुनिया में ऐसी कोई माँ पैदा नहीं हुई आज तक, तुझे देखकर आज माँ शब्द पे भी शर्माती है। जब कोई तेरे पे सवाल खड़ा कर देता है कि अपनी बच्चों की केयर नहीं करती, अपने बच्चों की केयर नहीं करती, यह बंदी तुरंत से बच्चों की कंघी भी करेगी, उन्हें अच्छे से कपड़े भी पहना देगी, उनके लिए अच्छा खाना भी बनाने दिखा देगी, हालांकि करता लप्पू है। तो ये औरत इस हद तक गिर सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं, सारी सीमाएं खत्म कर चुकी है औरत। और ये हमारे भारत को क्या मैसेज दे रही है, तेरी औकात है, तू हमारे भारत के लोगों को तू राय देगी, तू समझाएगी हमारे भारत के लोगों को, हमारे कानून को तू चेंज कर देगी। तूने बोला है ना इंटरव्यू में कि पाकिस्तान में मेरा तलाक हो चुका था, पाकिस्तान में तो ये होता है, पाकिस्तान में तो वो होता है। गुलाम हैदर अगर 5-7 साल पति पत्नी आपस में नहीं रहते रिलेशन में तो उनका तलाक खुद हो जाता है। तेरा पाकिस्तान और तू जान, ये भारत में तेरा कानून नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे भारत में जितने मुस्लिम भाई बहन हैं सबको पता है, और हिंदू भाई बहनों को भी पता है कि यहाँ पे जो तलाक 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 3 तलाक थे वो बंद हो चुका है कानूनी तौर पर, और हमारे भारत में तेरा पाकिस्तान का कानून नहीं चलेगा। वैसे भी पाकिस्तान से कई वीडियोज आए हैं जिसमें ये साबित हो गया है कि
बिना लिखित के कोई भी तलाक किसी भी मजहब में नहीं होता है। तू हमेशा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, हमेशा अपने बच्चों का यूज़ करती है, हमेशा गलत चीज़ें दिखाती है और आकर सोशल मीडिया पर गंदगी मचाती है, तुझे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सीमा हैदर, तेरे दिन शुरुआत हो चुके हैं। और जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे मोबिन मलिक सर, और जिस दिन मोबिन मलिक सर ने कुछ कर दिया तो भैया फिर मत आना मोबिन मलिक सर जिंदाबाद कहने, क्योंकि आपके सवाल अब चुभने लगे हैं। जो सपोर्ट करते थे उन लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब आप केवल हवाओं में बात करते हो, हवाओं को देखते हो, हवाओं को सुनते हो, आपको कानून का पता नहीं है। जिस दिन कानून का डंडा बज गया, सीमा हैदर जैसे लोग, जमीन नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए, धरती आसमान सब फट जाएगा इनके लिए, याद रखना। जिसे नहीं देखना ना देखे, लेकिन इस तरीके का सवाल करके हमारे कानून हमारे व्यवस्थाओं पे सवाल मत खड़ा करो। माननीय अदालत है, मामला वहाँ चल रहा है, तो बहुत जल्दी सामने आएगा और इसकी जो धज्जियाँ उड़ने वाली है, जो खून के आंसू रोने वाली है, वो रोएगी चाहे आप कुछ भी कर लो। तो दोस्तों बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि बच्चियाँ सबकी समान होती है, बहुत दुख भी हुआ, लेकिन मजबूर हो गया अभी वीडियो बनाने के लिए। बहुत दुख आ, मेरे सर में दर्द हो रहा, जब से मैंने देखा मेरा सर फटने को तैयार है और गुस्सा इतना आ रहा कि सामने पड़ जाए तो इसकी इतनी जूतियाँ मारूं ये अपनी शक्ल ना पहचान पाए आईने में। तो बाकी क्या कहूँ, आप समझदार हैं। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज से कहूँ, अपनी वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अपने अपने बच्चों की सुरक्षा करें, उनका ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।